सकता हूं। आप जोड़ करके नमस्कार, धन्यवाद, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। कुछ देर पहले तक तो लग रहा था कि बार बार मंच पर से हमारे अजीत जी और बाकी सारे लोग आपको मुखातिब होकर के कुछ कुछ बात बोल रहे थे, विधायक जी से कुछ बात बोल रहे थे, हमको लगा कौन से विधायक से बोल रहे हैं हमको नहीं पता, इसलिए कि हम चुनाव से पहले हम लोगों के बीच में तय हुआ था कि गोविंदपुर की जनता एक एक वोट जो देगी वो इस बार 2020 में खुद विधायक बनने के लिए देगी। तो हमको लगा कि कौन से विधायक से आप बात कर रहे हैं, जरा अभी भी स्पष्ट नहीं किए हैं, अभी भी स्पष्ट कर देगी। कहां है गोविंदपुर की जनता, गोविंदपुर का विधायक किधर बताइए, कहां है, गलत बात बोल रहे हैं, जो बात सही है बताइए, कहां है गोविंदपुर का विधायक बताइए, है ना सामने, हाथ उठा के बताइए गोविंदपुर का विधायक कहां है। आप लोग नहीं है, आप लोग वोट नहीं किए थे, अरे वोट सब वोट किए हैं, गोविंदपुर के सम्मानित विधायक सामने बैठे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ करके तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। 40 साल 45 साल आप लोगों ने विधायक को देखा, आपका अनुभव क्या रहा ये मैं नहीं पूछता, खट्टा था मीठा था ये आपका मन, ये आपके साथ है, लेकिन 5 साल सेवक को कभी अनुभव लेने का हम आपसे आग्रह करेंगे, सेवक बने रहने दीजिए, 5 साल आप लोगों को सेवक बन करके सेवा करने का हमने आप लोगों से आग्रह किया था चुनाव से पहले, आप लोगों ने मौका दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन विधायक की जगह सेवक बोल के संबोधित करेंगे तो मुझे कुछ ज्यादा आप लोगों की हमको खुशी मिलेगी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अब यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया, सबसे पहले तो इतने पवित्र जगह पे आप लोगों ने बुलाया, हमें भी आशीर्वाद लेने का मौका दिया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं। पता नहीं कारण क्या हुआ हमको नहीं पता, कुछ दिन पहले फोन आया था हमारे मोबाइल से यहाँ के अभिभावक का, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला यहाँ हो रहा है, कौवा कुल में सदन चल रहा था तो जो हमसे बंद पड़ा उस वक्त हमने किया वो अलग विषय है, लेकिन ताज्जुब लगता है जब हमने पूछा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मुझे ताज्जुब लगा कि ऐसा भी होता है क्या कि मंदिर का परिसर पर भी कब्जा करेगा, ये मेरे सोच के परे था। उस दिन जब लोगों ने कहा तब विश्वास हुआ कि ऐसा भी लोग करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोग आस्था को कम से कम लालच से, लालच को आस्था के ऊपर न जाने दें, मैं उनसे आग्रह करता हूं, आस्था रखिए, इतना बढ़िया प्रांगण है, आप यहां प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हाथ फैला करके मांगिए, जितना आप कब्जा कीजिएगा उससे 100 गुना ज्यादा देने के लिए तो यहां खुद विराजमान है, सिर्फ कपड़ा से भगवा कपड़ा पहन लेने से मुझे नहीं लगता कि आप आस्था मजबूत होता है, मन को भगवा कीजिए, जिस दिन मन भगवा हो जाएगा निश्चित रूप से इस तरह का कोई हरकत नहीं होगा। और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आस्था तो दिल से होता है, भगवान का जगह भी कोई कब्जा कर ले ये सही में हमारे ये सोच से परे था, ऐसा होता है क्या, और इसके लिए आप जो हमको बोलिएगा करने के लिए हम करेंगे, सरकार करे अथवा ना करे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार के जिम्मे ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपने अभी बोला है, लिख करके दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा एक विवाह भवन का, सरकार का कुछ बाध्यताएं होती है हम लोगों के साथ भी कि सरकार फंड इस जगह पे करने के लिए देता है नहीं देता, पहली बार बना हो मुझे नहीं पता, पता करेंगे, अगर लग सकता है तो निश्चित रूप से उस जगह पे फंड लगेगा, और अगर सरकार का फंड नहीं लग सकता है उसकी अनुमति नहीं होगी, तो मैंने तो पहले भी कहा था कि सरकार जो सैलरी देगी उसके लिए तो हम स्वतंत्र हैं खर्च करने के, आप लोगों के साथ उस जगह पे सहयोग करेंगे अपने सैलरी के साथ। मैंने अभी भी कुछ दिन पहले हमारे कुछ साथी पत्रकार साथी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये पैसा इसीलिए है कि जहां सरकार का पैसा नहीं खर्च हो सके, जैसे मंदिर मस्जिद
कब्रिस्तान, शमशान घाट, ये सब जगह पे अगर नहीं खर्च हो सकता है सरकार का पैसा, ये हम नहीं खर्च कर सकते हैं, वहां पे सैलरी का पैसा जो सरकार बिना किसी फाउंडेशन के देता है वो तो जरूर खर्च हो सकता है। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि कहां-कहां से जो पैसा आता है वो नहीं, लेकिन सरकार का पैसा लगा दीजिए। भैया कहां-कहां से पैसा आता है वो हमी को बता दीजिए, हमी को नहीं पता है कहां-कहां से पैसा आता है। आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से जो मेहनत करके ईमानदारी से कमाते हैं वही पैसा आज तक हमने गोयों पर खर्च किया, कहां-कहां से ला के नहीं खर्च किया। लोग एक परसेप्शन बना लिए हैं कि इनका पैसा आता है दुबई से, सऊदी से, फलां से, ढकलान से, और आपको विश्वास नहीं होगा 2013 तक ही हम अपना बैंक को ऑपरेट किए हैं, बैंक अकाउंट को। अगर कहीं से पैसा आता तो बैंक अकाउंट में आता है कामराम के। प्रगति फाउंडेशन पे भी लोगों ने इल्जाम लगाया कि आपका पैसा कहां कहां से आता है। प्रगति फाउंडेशन के नाम से भी आज तक एक अकाउंट नहीं खुला है, मैं आपको बताता हूं। और इसीलिए नहीं खुलाए थे, हमको पता था कि इसमें लोगों ने आगे जाकर के इल्जाम लगाएंगे, तो कभी अकाउंट खुला ही नहीं, तो किसी से पैसा लेने की तो बात ही नहीं आती। और मेरा खुद का भी बैंक अकाउंट 2013 के बाद, चूंकि उसके बाद हम शुद्ध बेरोजगार हो गए, हमने बैंगलोर छोड़ दिया जहां हम अपना व्यवसाय करते थे, उसके बाद शुद्ध बेरोजगार हो गए, तो बैंक में पैसा कहां से आना है। लेकिन जो पैसा कमाए थे उसी पैसे से आज तक हमने गोविंदपुर की सेवा की है। हम कहीं से पैसा ला करके या किसी का कहीं बाहर से पैसा मंगवा करके किसी गलत नाम से पैसा, लोग ये भी कहते हैं कि किसी गलत नाम से पैसा आप मंगाते हैं बाहर से और गलत जगह पर खर्च करते हैं, तो गलत जगह पर खर्च नहीं करते हैं, इसके तो गवाह आप भी हैं। हमने गलत जगह पर कहीं खर्च किया है क्या पैसा? लेकिन गलत जगह से नहीं मंगाते हैं, इसके लिए इस प्रांगण में झूठ तो नहीं बोलेंगे। आपने इतना ये जो कलर का गमछा आपने गर्दन में डाला है, झूठ तो नहीं कहेंगे, इसलिए सच्चाई बता रहे हैं कि कभी किसी के गलत जगह से पैसा हमने नहीं लाया है। जो मेहनत का मेरा पैसा था, 10 साल हमने कमाया था, वो पैसा जो मेरे पास था वही हमने चुन लिया, उसमें खर्च किया है अपने आज तक के गोविंदपुर के जहां जहां खर्च किया, कहीं किसी का गलत पैसा नहीं खर्च किया, ऐसे इत्मीनान रहिएगा। भाई साहब बोले इसलिए हमने इस बात को रखा। और कुछ मांग पे डायरेक्ट भाषण नहीं देते हुए सीधा मांग पे आते हैं, जो कौवा कुल की जनता का मांग है, डिलक्स विवाह भवन बनाने का। मैं बोला कि मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं पता करूंगा कि इसमें सरकार का पैसा फंड लग सकता है कि नहीं, अगले महीने से फंड आएगा, अगर लग सकता होगा तो निश्चित रूप से हम कराने का कोशिश करेंगे, और नहीं लग सकता है तो इसमें मेरा योगदान रहेगा, ये पक्की बात है। आप लोग इसमें आगे बढ़े, उसमें हमारा जो सहयोग रहेगा निश्चित रूप से हम बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। और एक बात और, हमारे भाई साहब ने कहा था, यहाँ पे भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 2017 से पहले जब यहाँ आया था तो कहे थे कि इसमें लगने की संभावना है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि आप आदेश कीजिएगा तो हम यहाँ पे जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम यहाँ चंदा देंगे करेंगे, लेकिन उसके बाद हमसे कोई संपर्क नहीं किया, कारण हमको नहीं पता, लेकिन हमसे संपर्क नहीं किया गया इसलिए हम इसमें नहीं योगदान दे पाए। दूसरा, कौवा कुल में स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं, मैं कुछ दिन पहले विधानसभा में रूम में एक, चूंकि वहां पे कोई भी आपके यहां तो एक स्टेट बैंक है, कौवा कुल ब्लॉक में, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक, सॉरी स्टेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक है, लेकिन रो ब्लॉक में अभी तक एक भी